ऐसे अल्लम गल्लम नहीं होता, नहीं कल संगीत राखी को बिल्कुल कुछ अल्लम गल्लम नहीं कर रहे। चलिए सब कुछ हो गया, सब अल्लम गल्लम के बाद अब तो एफआईआर हो गया। मुकेश जी का इस्तीफा किधर है जी? कोई अल्लम नहीं, कोई गल्लम नहीं, किधर है इस्तीफा? नहीं, एफआईआर से इस्तीफा हो जाता है मैडम, एफआईआर से इस्तीफा हो जाता है। आपको तो ये सवाल नहीं पूछना, आप कल एफआईआर कर दें किसी के खिलाफ, संगीत रागी के खिलाफ, तो इस्तीफा दे दें। ब्रजभूषण सरन सिंह को आप कैसे मांग रहे थे इस्तीफा? आप तो मांग रहे थे ना, ब्रजभूषण सिंह सरन सिंह के खिलाफ भी एफआईआर हुआ था। 10 मिनट में आपने ऐसी पलटी मारी ब्रेक जी कि आपको तो ओलंपिक में जाना था। एक्सपोज हो रहे हैं, एक्स वन पदक तो वहीं से आएगा। रिजु दत्ता पद्मजा जी मैं ये मानता हूं कि अगर तृणमूल कांग्रेस का कोई बड़ा नेता भी अगर पाया गया कि उसने बलात्कार किया, उसको भी फांसी पे टांग दो। एमएलए मुकेश ने भी अगर बलात्कार किया और प्रमाणित होता है, उसको भी फांसी पे टांग दो। और ब्रिजभूषण ने भी अगर रेप किया है तो उसको भी फांसी पे टांग देना चाहिए। पर मेरा मुद्दा दूसरा है। यहां पर हम सब बैठ के विचार विचार मांग रहे हैं और संगीत रागी वो कह रहे हैं कि प्रेसिडेंस रूल लागू होना चाहिए बंगाल में, और बंगाल की बीजेपी हमारे बंगाल में, उनको विचार से मतलब नहीं है, उनको रिजाइन ममता बोल रहे हैं वो लोग कि ममता बनर्जी को रिजाइन करना चाहिए। तो मैं पूछना चाहता हूं आपके दर्शकों से, इन लोगों से बात करके फायदा नहीं है, कि अगर एक जघन्य बलात्कार का घटना पे मुख्यमंत्री का डिजिग्नेशन होना चाहिए बीजेपी बंगाल के मुताबिक, तो अजय मोहन बिस्क जी को कितना बार रिजिग्नेशन देना चाहिए उत्तर प्रदेश? कवर फायर करती है, ये सवाल सही नहीं माना जा रहा है? क्या मणिपुर के लिए मोदी जी को, मैं आपके बीच में नहीं बोला, मोदी जी ने जन्म दिया है, और रोहन गुप्ता को इसका जवाब देना चाहिए। ऊपर करने दीजिए, पद्मजा जी ये गलत बात है। नहीं, अपनी बात खत्म कीजिए, फिर रोहन गुप्ता जवाब। पद्मजा जी, और मैं खत्म करना चाहता हूं, जहां पर आज मुद्दा कलकत्ते, हाँ, आज का मुद्दा कलकत्ता पर है, और इस कलकत्ता के मुद्दे पे जब हम एक बेटी के लिए विचार और न्याय मांग रहे हैं, तो संगीत राजी जैसे लोग आपके इतने बड़े चैनल में बैठ के दूसरी और एक महिला ममता बनर्जी, जो एकमात्र महिला मुख्यमंत्री, उसको उनको चोर फास्ट ट्रैक कोर्ट कब बनेंगे? मुझे डर लगता है सोच के कि पद्मजा जी 11 मेरी बात को बना दीजिए सर, राजनीति को करने दीजिए। रोहन गुप्ता देखिए, पद्मजा जी, जो इंडी गठबंधन के दो घटक दल यहाँ पे बैठे हैं, दोनों एक दूसरे की अपनी पोल खोल रहे हैं। विवेक जी ने शुरुआत की कि हमारा गठबंधन जो है, हमारी ये विचारधारा है, वो भूल रहे हैं शायद टीएमसी भी उसके अंदर है। दोनों एक दूसरे की पोल खोल रहे हैं। केरला में इनका ही विरोध कांग्रेस करती है और वो लोग वहां पे डिफेंड करते हैं कि नहीं, हमारे एमएलए को रेजिग्नेशन देने की जरूरत नहीं है। तो दो बुआ चेहरा है वो पूरा देश देख रहा है। जो टीएमसी के प्रवक्ता जो दोगलापन की बात कर रहे हैं, यहाँ पे बैठ के डिबेट में भाषण खोल रहे हैं पूरे देश को कि ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। आपने स्पेसिफिक सवाल पूछे कि 81,000 केसेस जो आपके हैं वो फास्ट ट्रैक कोर्ट में कब सॉल्व होंगे, उसका उनके पास जवाब नहीं है। आपने बहुत स्पेसिफिक बात की कि 15 दिन की जो ममता जी बात कर रही है उसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगा, उसका उसके पास जवाब नहीं है। आपको भाषण मत दीजिए, कवर अप नहीं हो सकता है, पूरा देश जानता है। आपको सिर्फ माफी मांगनी चाहिए और अब आपके वहां पे ये नहीं हो वो आपको एंश्योर करना चाहिए। भाषण देना बंद करिए ना। देखिए, दर्शकों ने भी इस चर्चा में एक चीज तो देखी होगी, सब अपनी सुविधा के हिसाब से ये सुनते हैं कि कौन सा मुद्दा उन्हें उठाना है, कौन से मुद्दे से नजर फेर लेनी है। ये राजनीति की जगह बस उम्मीद है कि हर सरकार, भले से वो केंद्र में हो या राज्यों में हो, कम से कम फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाएगी, उसमें जुडिशियल ऑफिसर्स की अपॉइंटमेंट करेगी और कम से कम केस जल्दी खत्म करके उन लोगों को सजा देगी जिन्होंने ये जघन्य अपराध किए हैं हमारे देश की बेटियों के खिलाफ। चर्चा में जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।